हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में वील ट्राई एंड स्पीक अबाउट स्कार एंडोमेट्रियोसिस। क्या होता है, व्हाट इज दिस स्कार एंडोमेट्रियोसिस? रिमेंबर, बेसिकली यूट्रस जो रहता है उसके इनसाइड की लाइनिंग जो हर पीरियड में शेड आउट होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम या यूट्रस की इनसाइड की लाइनिंग। अब इसकी ऑप्टिमल जगह कहां है? द एंडोमेट्रियम शुड ग्रो इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, बट काफी बार ये एंडोमेट्रियम यूट्रस की कैविटी में ग्रो होने की जगह पे यूट्रस के बाहर कोई एक्सटर्नल लोकेशन में ग्रो होना स्टार्ट कर देती है। जब कभी भी ये चीज मान के चलिए ओवरी में होती है या यूट्रस के पीछे जिसे हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस, ये सारे लोकेशंस पे होती है, तो इस चीज को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ही ये है, व्हेन द एंडोमेट्रियम ग्रोज आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल लोकेशन, उस चीज को बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस। नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि स्कार एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। सिंपल, जब कभी भी बॉडी पे कोई कट आता है, उसका जो हीलिंग होता है उसे हम बोलते हैं स्कार। तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस मतलब उस टाइप का एंडोमेट्रियोसिस जो किसी स्कार पे ग्रो करता है। अब देखिए, कोई भी फीमेल में, कोई भी लेडी पेशेंट में सबसे कॉमन स्कार आपके माइंड में कौन सा आता है? एब्डोमेन में, पेट पे। अगर मैं 100 लोग का ओपिनियन लू तो मुझे तकरीबन 80% लोग ये बताएंगे कि हाँ, सिजेरियन करने के टाइम पे स्कार आता है। वो ऑपरेशन जब करते हैं बेबी को बाहर निकालने को, सिजेरियन के टाइम का वो स्कार आता है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस मतलब जब एंडोमेट्रियोसिस मतलब यूट्रस की अंदर की लाइनिंग वो जो सिजेरियन का स्कार है ना उसके नजदीक में ग्रो होने का स्टार्ट कर देती है, उसे बोलते हैं स्कार एंडोमेट्रियोसिस। एकदम अजीब सा टर्म लगता है, अरे पर ऐसा क्यों हो सकता है? यूट्रस तो पेट के अंदर है, ये तो स्कार है, स्कार पे एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है? इस चीज को लेके काफी सारी थियोरीज है, बट एक्चुअल में कौन सी थियोरी काम करती है ये बताना मुमकिन नहीं, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स विच आर राइट इन दिस। बट इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एंडोमेट्रियम मतलब मैं वापस समझाता हूं। जब कभी भी कोई फीमेल पेशेंट को पीरियड आते हैं तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड आउट होके मेंस्ट्रुअल ब्लड की तरफ बाहर आ जाती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो हो रहा है सिजेरियन के स्कार के आसपास। मतलब जब कभी भी हार्मोनल इफेक्ट के वजह से किसी को पीरियड आता है तो वो स्कार के पास का जो एंडोमेट्रियोसिस है वो भी ग्रो होता है, उससे थोड़ा ब्लड रिलीज होता है जिसके वजह से स्कार के साइड पे बहुत पेन होता है, और ये पेन खास करके पीरियड के टाइम पे होता है। ये सबसे कॉमन सिम्टम है स्कार एंडोमेट्रियोसिस का। इनफैक्ट एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ हॉस्पिटल, वी डू द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कार एंडोमेट्रियोसिस सर्जरीज इन आवर कंट्री। आपको पता है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सबसे कॉमन पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या होता है? कोई भी फीमेल पेशेंट उंगली के टिप से पॉइंट करके बता सकते हैं, डॉक्टर ये स्कार के मुझे राइट साइड में इतना पेन होता है, टच भी नहीं करने दूंगी। वो टच करने से भी पेन होता है, एंड दैट इज अ टिपिकल डायग्नोसिस ऑफ स्कार एंडोमेट्रियोसिस। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे सेटअप पे सबसे कॉमनली एक स्मॉल पार्ट अल्ट्रासाउंड करके एक चीज होती है जो हम करते हैं, जिससे हमें वो उसका साइज कितना है, उसके आजू बाजू का कितना एरिया अफेक्टेड है ये पता चलता है। मैं मेरे अगले वीडियो में स्कार एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट क्या है ये डिस्कस करूंगा, बट मैं एक हिंट जरूर देता हूं, स्कार एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट इज अ साइज डिपेंडेंट ट्रीटमेंट। आई रिपीट, स्कार एंडोमेट्रियोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो साइज डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है। उसमें भी अगर आप मुझे साइज का कट ऑफ पूछे तो वो साइज का कट ऑफ है तकरीबन 1 सेंटीमीटर। अगर वो जो एंडोमेट्रियोसिस है वो स्कार के नजदीक है और 1 सेंटीमीटर से छोटा है साइज में, तो हम शायद दवाई देके काम कर सकते हैं। बट अगर
वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है। 1 सेंटीमीटर का मैं एक अंदाजा देता हूं, मेरा नाखून का साइज है 1 सेंटीमीटर। ये अगर इससे छोटा है तो हम इसको दवाई से ट्रीट कर सकता है, बट अगर उसका साइज इससे बड़ा है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो दवाई का इफेक्ट टेम्पररी रहता है और ऐसे सिचुएशंस में सर्जिकल मैनेजमेंट ही जायज ऑप्शन रहता है। ऑफ कोर्स इस चीज को लेके हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर क्वेश्चंस कैन बी पोस्टेड इन द कमेंट्स बॉक्स, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।